भूटान की मुस्लिम आबादी कितनी है? दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा एक खूबसूरत देश है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो भूटान के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी उत्तरी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पर्वत मौजूद है, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी कोला कांगरी है, जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। भूटान देश का 60-70% हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर है। भूटान का संविधान यह बताता है कि देश के 60% जंगल में रहना चाहिए। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपये के बराबर है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है। भूटान के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म की परंपराओं को मानते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पताकिन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी और डाइटर्स है। भूटान देश को सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए मुफ्त है। यहाँ तक कि वहाँ आने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा मुफ्त है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार है, जो जीडीपी के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। सन 2015 में भूटान ने सिर्फ एक ही घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। यह रिकॉर्ड के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी भूटान की कुछ रोचक बातों की इन्फॉर्मेशन। तो आइए जानते हैं भूटान की 2023 की मुस्लिम आबादी कितनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, भूटान का क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर इतना है, जो दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है। प्रसिद्ध वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार भूटान के वर्तमान समय की जनसंख्या 7,94,671 इतनी है। भूटान की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 0.01% के बराबर है। जनसंख्या के आधार पर भूटान दुनिया का 165वां देश है। भूटान की 45.8% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और 51.2% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भूटान में औसत उम्र 28 वर्ष है। दोस्तों, वैसे तो भूटान बौद्ध धर्म का पालन करता है, जिसकी कुल आबादी 5,94,000 इतनी है, जो भूटान के कुल जनसंख्या का 75% आता है। अगर हम बात करें भूटान की हिंदू धर्म की जनसंख्या की, तो भूटान की हिंदू धर्म की जनसंख्या 1,79,803 इतनी है, जो भूटान के कुल जनसंख्या का 22.6% आता है। वहीं अगर हम बात करें भूटान की 2023 की मुस्लिम आबादी की, तो भूटान की कुल मुस्लिम आबादी 5,000 से अधिक है, जो भूटान के जनसंख्या का 0.2% आता है। तो दोस्तों, ये थी भूटान की मुस्लिम आबादी की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको भूटान के अलावा किसी अन्य देश या किसी अन्य शहर की मुस्लिम आबादी के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।